नमस्ते दीक्षापाल, देख रहे हैं बकरी विधानसभा में इस वक्त हम लोग हैं। बेगूसराय का ये बकरी विधानसभा जहाँ पे वर्तमान विधायक जो है उपेंद्र पासवान जी हैं, एक दादाजी से इस बकरी में जाते जाते इनसे मुलाकात हुई। आइए कुछ बात इनसे जानते हैं। अनुभवी हैं, उम्र दराज हैं, सब चीज़ देखे हुए होंगे, पिछले सरकार, इस सरकार, सभी कामकाज हम तो और आप शायद नहीं भी देखे होंगे, लेकिन ये ज़रूर देख रखे होंगे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? देवनंदन कुमार सकरपुरा। क्या लगता है पहले की जो सरकार थी और अभी की जो सरकार है उसमें कुछ काम काज का कुछ अंतर? आप काफ़ी अनुभवी हैं, उम्र दराज है। वर्तमान सरकार और भूतपूर्व सरकार में बहुत बड़ी डिफरेंसेज है, अंतराल इतनी ज़्यादा है कि भूतपूर्व सरकार में लूट हत्या अपहरण युवा करती थी, जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। और ऐसी परिस्थिति में जो वर्तमान सरकार आई है, जो भी कार्यकलाप अपने क्रियाक्रमों के द्वारा दिखलाई है, उससे जनता बिल्कुल प्रभावित है। जनता अभी भी चाहती है वर्तमान सरकार को और भविष्य में भी चाहेगी। क्या लगता है तमाम जो कार्य उनका कुछ योजना वगैरह आते रहता है, योजना सब... एक से एक योजना है, 125 से अभय मंच है, योजनाएं बिहार सरकार की चल रही है। सभी योजनाओं से संबंधित लोग बिल्कुल खुश हैं, प्रभावित हैं और जनता उनको चाह रही है और वर्तमान में भी सरकार बनाने के उद्देश्य से उनको चाहेगी। हैं वर्तमान विधायक जो बकरी के हैं, उन्होंने जनताओं से बिल्कुल मोह तोड़ लिया है, कोई संपर्क नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई विकास की दौर में वो उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं दिया है। इसलिए जनता इनको बदलना चाहती है और जनता वर्तमान में वर्तमान सरकार को ही बनाना चाहती है। मतलब भाजपा गठबंधन बिहार में बरकरार रहे? हाँ, बरकरार रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नहीं इसको कुछ हिला सकता है। पूरे बिहार की धरती पर कोई नहीं हिला सकती है, ये बिल्कुल मजबूत है और मजबूत बन के रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगी। अच्छा, कोई ऐसा योजना जिसका आपको लाभ मिला हो व्यक्तिगत? हाँ, हमको भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिले और वर्तमान में सरकार भी हम लोगों को अनेक प्रकार की लाभ देने के लिए प्रयासरत है और दे रही भी है। हैं हम लोग इसे खुश हैं और इसे मन से लाभ लेते ही रहेंगे। बिजली उजली का क्या समस्या रहता होता है? की समस्या भी बहुत हद तक दूर हो चुकी है, हम लोग बिजली रहती है, हम लोगों के गांव में बिजली रहती है, कभी अनायास मन से कट जाती है, हैं फिर मान लेते हैं से बिजली आ जाती है। जिस दिन कहते थे बिहार में बिजली है नहीं? नहीं, बिहार में बिजली पर्याप्त हो गई है। ऐसा ही डेजर्ट मुल्क है जहाँ पर मन से यातायात या बिजली की असुविधा रही है, नहीं तो वर्तमान सरकार में यातायात और बिजली की पर्याप्त सुविधाएं हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान सरकार से पब्लिक बिल्कुल खुश हो गई है और पब्लिक चाहती भी है। ये दादाजी थे काफ़ी उम्र दराज, काफ़ी अनुभवी, सरल लफ्जों में, सरल बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत ऐसे चीज़ स्पष्ट किए जो कि शायद आपको या फिर हमें भी मालूम नहीं था। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम हुआ मालकुंद बला। क्या लगता है तो काफ़ी उम्र दराज, अनुभवी है, पहले की जो सरकार हुआ करती थी और अभी की सरकार है, कुछ अंतर उन्तर नज़र आता है कि ना? अंतर तो ये है सर, पहले की सरकार देखे जो कि 2005 से पहले की सरकार थी, उसमें पूरे बिहार में रोड जो था तो खंडर हो गया था, ये तो हम देखे हुए हैं। अभी की जो सरकार है वो अच्छा रोड बना रहा है, अच्छा विकास कर रहा है, समझे नहीं? बहुत लोग कहते हैं कि सड़कें नहीं है, विकास नहीं हुआ। नहीं, अब देखिए पूरा बिहार जो है कहीं कहीं तो टूटी जरूर रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि पूरा बिहार एकदम एक रंग कर दिया है, ऐसी बात भी नहीं है, कहीं तो टूटी जरूर रहेगा, समझे? तो आपके नज़र से सब कुछ सही सलामत? हाँ हाँ। अच्छा, से 15 साल पहले जिस समय राजद की सरकार हुआ करती थी, सुनने में आया बहुत समस्या हुआ करता था, हम लोग तो खैर उस समय देखे नहीं थे, आप अनुभवी है, क्या हुआ करता था जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। उससे पहले भ्रष्टाचार ज्यादा था, भ्रष्टाचार वाला बोल वाला था, समझे नहीं? और अभी उससे तो कुछ अच्छा नहीं थी, इसके राज में तो अभी कुछ अच्छा जरूर है। क्या लगता है तुम भाजपा गठबंधन अपना सरकार बना पाएगी बिहार में इस बार? तो कौन बनाएगा, अगर ये नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, किसकी सरकार होगी? तो कहिए, जो अच्छा काम करेगा वो नहीं बनाएगा, तो जो खराब काम करेगा वो बनाएगा, ये तो नामुमकिन है। प्रधानमंत्री जी का भी बहुत सारा योजना आते रहता है, क्या कोई योजना का लाभ मिला? अभी तो हम देखें जवाहरलाल जी के समय में समाज में, राष्ट्र में कोई फायदा नहीं होता था,
लेकिन अभी तो देखते हैं कि जितना योजना है गरीबों के लिए, जो काफ़ी योजना है, कम योजना नहीं है, और गरीब लाभान्वित भी हो रहे हैं, उनका ऊँचा भी उठा है। इसमें देख लीजिए, हम लोगों के समय में क्या था, 4 रुपया पैसा जो फाइन होता था वो भी लिया जाता था। अभी क्या है, बच्चे को फ्राक है, साइकिल है, रुपया है, दरमा फ्री है। हम लोग समय में 1 पैसा फ्री नहीं था। मतलब परिवर्तन बहुत हुई है। परिवर्तन हुआ है, जरूर हुआ है, विकास जरूर हुआ है। 1962 का युग देखे हैं, जवाहरलाल नेहरू के समय में कितना हज़ार किलोमीटर चीन ले लिया। अभी मजाल है, ले सकता है 1 इंच जमीन मोदी जी के राज में, तो कहिए विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो कहिए अभी पाकिस्तान समझे नहीं, हिम्मत नहीं करेगा 1 इंच भारत का जमीन लेने के लिए। उसका जो है अधिकृत कश्मीर, वो भी कखन जाएगा कखन नहीं जाएगा कहना मुश्किल है। मतलब उस पर भी मूड बन चुका है, जरूर मूड बना हुआ है, और मोदी जी रह गया दिन जरूर लेकर छोड़ेगा। इस बार मतलब कि दशहरा के आवर में ही रिजल्ट आने वाली है बिहार चुनाव की। हाँ। उधर राम मंदिर का भी जो काम है लगभग लगभग समटाइए गया है। ठीक बात, बढ़िया हुआ। इस बार क्या लगता है, मतलब दशहरा में बिहार में जो रिजल्ट आएगा दशहरा के दौर में 10 तारीख के करीब में, तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन नजर आएगा कि वही सरकार महागठबंधन की आएगी या फिर भाजपा गठबंधन की? अब ये तो कहना मुश्किल है, समझे नहीं, कहा कि जितना ना पार्टी बन चुका है। पहले तो हम लोगों के समय में 1952-57 में 3 पार्टी था, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, इसी में किसी को होना था। अभी तो 90 पार्टी हो गया, तो कहना मुश्किल है। आपके नज़र से भारत में कौन ऐसी पार्टी है फिर बिहार में जो अच्छा काम कर रही है? अब जो था काम कर रहा है सो अभी शासन में है, शासन में है। इशारा स्पष्ट है कि शासन में भाई जो सरकार है वही अच्छी काम कर रही है। अब नाम लेना दादाजी नहीं चाह रहे हैं, तो हमने भी सोचा क्यों नाम बताएं। आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ? हरे राम मातो। क्या लगता है, बिहार चुनाव आ चुका है, बहुत कुछ दिन में चुनाव नाम होने वाला है। बिहार चुनाव आ सकता है तो बिहार में तो फिर सक मोदी जी जीतेगा। मोदी कला जीतेंगे, कथी से किए हैं बताइए, कथी से किए काम किए हैं। हम लोगों का गैस भी दिए हैं, और कोटा में भी डबल मिल रहा है, सबसे आसान हम लोगों को सुविधा बहुत दिए हैं। सुविधा दिए? हाँ। तो पहले में भी में कुछ फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है। कथी से? कथी से फर्क है, जैसे गैस भी फ्री मिल गया, मान चलिए कोटा भी डबल मिल रहा है, इतना दूसरा कोई सरकार नहीं कर पाएगा। हाँ। कितना मतलब एक बार कथी करते हैं आप? मंदिर तोड़ करके दूसरा बना रहा है, इससे बढ़ के क्या करेगा? हिंदू का जो धर्म है वो कर रहा है, तो हिंदू हम लोग हैं, हिंदू का प्रचार करेंगे। तो राम मंदिर को लेकर खुश है? बिल्कुल खुश है। तब क्या लगता है इस बार? इस बार जीतेगा तो जो विधायक उनको बनेगा वो जीतेगा। अच्छा, मतलब जो आ जाए भाजपा से वो जीतेगा? हाँ, जीतेगा। हम लोग सब दिन से फूल साहब में दिए हैं, फूल साहब में देंगे, चाहे कोई जीते। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, मोटी वाला। क्या लगता है कितना मतलब आपका कितना उम्र होगा? लगभग 45 का लमसम। आप तो देख रखे होंगे वो लालू जी वाला सरकार। देखे हैं, लेकिन उतना च्वाइस नहीं था इस सब हम लोगों। क्या, अच्छा पहले का क्या स्थिति होता? सुनने में आया कि पहले महिला होती थी, बच्चे होते थे, शाम होते ही घर में नुका जाता था। वो तो पहले का स्थिति यही था, जो पहले चोर चिल्लर ज़्यादा था। हाँ, अब जो है सब नहीं है, अब लोग अपने आप का तंदुरुस्त है, सब आराम से कमाता है, खाता है, चोर चिल्लर जितना था वो सब सबको कवर कर लिए। हाँ, सबको मोदी जी कवर कर लिए। अरे शेर में शेर है तो इससे क्या मतलब है, लेकिन बहुत बहुत कम से कम है चोर चिल्लर। हाँ, नहीं तो पहले तो मान चलिए जे 3 महीना लोग को चैन नहीं मिलता था, जागले भर भर रात हो उधर उधर हुआ उधर हुआ, ऐसे ही रहता था। वैसा नौबत था अभी का चैन से? अभी एकदम चैन से लोग रहता है। हाँ, अभी लोग चैन से रहता है, एकदम कहीं भी बाद में भी रहता है तो लोग चैन से आराम से रहता है। क्या नाम बताएं? हरे राम मातो।